अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जेर में कि जब खाना खाओ तो अपनी उंगलियों को चाट लो या चटवा लो किसी बच्चे को या जानवर को। जब तक चाट ना लो तो जब तक खास ना पूछो ना उसको धो। क्यों? इसलिए कि हाथ पर तो लगा हुआ है, उंगलियों पर तो खाना लगा हुआ है, क्या पता उस खाने में हमारे लिए बरकत हो। बरकत का थोड़ा सा मफहूम भी आप हजरात के सामने गुज़श्ता जुमे में अर्ज़ किया था। इसी ज़ेर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस बयान फरमाई है जिसमें उंगलियों के साथ बर्तन का भी तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमाया कि बर्तन को भी, उंगलियों को भी चाट करके साफ कर लिया करो और बर्तन को भी चाट करके साफ कर लिया करो। हिकमत उसमें भी यही है कि न जाने खाने के किस हिस्से में आपके लिए बरकत हो, लेकिन फैशन परस्ती के इस दौर के अंदर सुन्नतों को बालाए ताक रख दिया गया है, सुन्नतों को एक तरफ उठा करके रख दिया है। फैशन का जो तकाजा है उसके पीछे हम भाग लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका बतलाया हुआ अदब, आपका बताया हुआ तरीका, बर्तन को चाट करके साफ कर लो। और फैशन क्या कहता है? चाय पियो तो थोड़ी सी छोड़ दो प्याली में, है ना। फैशन ये कहता है बोतल पियो तो थोड़ी सी उसको बोतल में छोड़ करके रख दो। क्यों? ताकि ये ना पता चले बहुत नतीजा है, इसको कुछ मिलता नहीं और बिल्कुल सारी सफर चट कर गया। वो पूरा का पूरा कप चाय का पी गया, उसमें कोई हिस्सा हवस पैदा नहीं हुई, इस थोड़ी सी न हो जाती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर करने वाले वो चंद कतरे थे, उनको हमने छोड़ दिया। काय के नाम पर? फैशन के नाम पर। और इस नाम पर कि हम बहुत तहजीब याफ्ता हैं, हम बहुत सलीकेमंद हैं, हम बहुत शाइस्ता किस्म के लोग हैं, यही जाहिर करने के लिए तो छोड़ा, वरना पेट में तो आ सकती थी वो। जब पूरी बोतल नकार गया तो उतनी सी बोतल में क्या बिगाड़ रही थी आप? जब पूरा कप चाय का पी गया तो उतनी सी चाय क्या बिगाड़ रही थी आपका या आपके पेट से? लेकिन ये जाहिर करना था कि हम शाइस्ता हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाइस्तगी फैशन में नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दुनिया किसी को शाइस्तगी समझती रहे, दुनिया किसी को सलीका समझती रहे, दुनिया के नजदीक कोई तहजीब हो, कोई तमक्कुन हो, लेकिन हमारे नजदीक तो सबसे आला तहजीब, सबसे आला सलीका, सबसे आला तमक्कुन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो। तो ये चीजें जो अपने आप अच्छा भाग रहे हैं पीछे होड़ में उन लोगों की जो ये तहसीब देते हैं, जो ये सलीके हद तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजरों में भी हमारी कोई इज्जत आज भी नहीं है। दुनिया में सबसे हकीर और सलील हमें ही समझा जाता है उनकी नजरों में। उनकी नजरों में हम उनके मुताबिक, उनके जैसा बन करके हम अपने आप को सलीकेमंद जाहिर करने की कोशिश करते हैं, उनकी नजरों में भी सलील है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ करके इज्जत मिल जाए न दुनिया में मुमकिन है न आखिरत में, दुनिया में मुमकिन है न आखिरत में मुमकिन है। अगर हमें इज्जत मिलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका सलीका, बर्तन को साफ करके चाट लो। चाटना शाइस्तगी के खिलाफ, दीन के खिलाफ। बिल्कुल बर्तन को अगर चाट रहे हैं और एक तरफ शाइस्तगी, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो ये फैशन की शाइस्तगी जो है, फैशन के जो सलीके हैं, ये रोज बदलते रहते हैं, ये रोज बदलते रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं बदलती। क्या करें, बर्तन को साफ करके उसको चाटना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन में खाना सड़ा होता है। एक तो ये है कि हमने खुद उतारा तो उतारने में हम अपने हिसाब से उतारेंगे, और एक ये कि दूसरे ने उतार करके दे दिया, वो यहाँ तक आपका आगे भी बर्तन साफ होने का इम्कान है। तो शरीयत का ये भी तकाजा नहीं कि उसे भरना ही भरना है सारे। ये शरीयत की इजाजत देती है कि आप उसे छोड़ दीजिए। अब अगर आपके पेट के हिसाब से आपका कोटा पूरा हो चुका है, अब आप मजीद खाना नहीं चाहते तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ने में भी शाइस्तगी बतला है, शाइस्तगी की तारीफ भी है। शाइस्तगी और अदब यह है कि अपने सामने से साफ कर लो प्लेट को, उसको ऐसा करके ना छोड़ो कि दूसरे के खाने के काबिल न रहे। तो छोड़ना ये गलत नहीं है अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, इसलिए कि अदब ये भी तो है ना खाने का कि कितना खाना है। बेहिसाब खाना ये भी तो खाने का अदब नहीं है ना। तो खाना भी है उतना ही, अगर खुद लिया है तो उतना लो। जब दावत में जाते हैं तो फिर वहाँ ये होता है दोबारा उठ करके आना पड़ेगा, तो वहाँ भर लेते हैं, ये भी कौरमा भी डाल ले, नारी भी डाल ले, ये भी डाल ले, थोड़ी सी बिरयानी भी डाल ले। अब नारी में लुकमा लगा के देखा यार ये तो अच्छी नहीं, इसे एक साइड कर दो, है ना। ये भी तरीका खिलाफ। ये जब खुद ले रहे हो तो उतना लो जितना खा सको। अगर किसी ने दूसरे ने दिया है और नहीं खा सकते हो तो बचाने की गुंजाइश। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ये है कि बर्तन को साफ करके खा लो, उंगलियों को भी चाट लो, धोने से पहले बर्तन को भी साफ करके चाट के साफ कर लो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हिकमत इसके अंदर यह है कि इसमें बरकत है। एक बरकत से मुताल्लिक़ दूसरी तारीफ़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर खाते हुए चावल का दाना या कोई लुकमा या रोटी का टुकड़ा या कोई चीज हाथ से छूटकर गिर जाए, तो अब अगर वो ऐसी जगह गिर गई है, मिसाल के तौर पर कि वो नाली में गिर गई है या बिल्कुल गंदी जगह पे गिर गई है, वहां से उठा करके खाना मुमकिन नहीं है, उसे साफ करके भी, तो फिर इजाजत है कि उसे छोड़ दो, इजाजत है उसे छोड़ दो। लेकिन अगर उठा करके साफ करके खा सकते हैं या उठा करके वो इतनी दस्तरखानी पर गिरी है, उसमें क्या गंदी हो, तो दस्तरखान पर से उठा करके खाना। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि इसको भी उठा करके खा लो जो गिर गया है आपके हाथ से। हो सकता है इसी में हमारे लिए बरकत हो सकता है इसी में हमारे लिए बरकत हो। ये भी हमारी तहजीब और शाइस्तगी के खिलाफ है कि कोई चीज हाथ से छूट करके गिर जाए और फिर उसे उठा करके खाना, ये भी हमारी शाइस्तगी के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है। लोग क्या समझे, यहाँ तक के एक मरतबा मैंने देखा कि बिल्कुल मेरे सामने एक साहब का, हॉस्पिटल में थे वो, साफ सुथरा फर्श रहता है, पानी पीने के लिए बिस्लरी की बोतल लेकर के आया, पानी उसका ढक्कन खोल करके पानी पिया, और पानी पीने के बाद वो ढक्कन छूट करके नीचे गिर गया। अब अगर उसे उठा करके ढक दे तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई, वो फर्श तो गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा फर्श है। नहीं, इसको मैं उठाना भी गंदा हो गया। और सारे के सारों ने, सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अपने आप को कहने वाले थे, और एक ने मना किया और सब किसी की उसमें से वो नहीं निकली, और सबने छोड़ दिया उसको, और वो बोतल यूं खुली रह गई। अगर उनके हाथ से कोई बिस्किट गिरा होता खुदा ना खास्ता वहां, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं था उठाना। क्यों? ये तहजीब के खिलाफ है हमारे नजदीक, ये शाइस्तगी के खिलाफ है हमारे नजदीक, ये सलीके के खिलाफ है हमारे नजदीक, ये हमारे नदीलेपन को जाहिर करता है हमारे नजदीक। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है कि उसे उठा करके खा लो। हो सकता है अगर ये थोड़ा सा आलूदा भी हो गया है, अगर इसमें मिट्टी वगैरह लग भी गई है, तो उतना मिट्टी साफ कर दो, खा लो इसको, हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। लेकिन हम ये देख करके कि लोग क्या कहेंगे, हम ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने में बिल्कुल बात महसूस नहीं करते। सरासा भी हमें खदशा नहीं होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को छोड़ना इन लोगों की वजह से ये हमारे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी की बात हो, हमारे कान पे क्यों नहीं गिरी। बस कोई कुछ ना कहे हमें, कोई हमें हमें बेसलीका ना कहे, बदतहजीब ना कहे। बात याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो सुपर ताकतें थी दुनिया के अंदर, एक रूम की और एक फारस की, ईरान की। और ये जो ईरान था ये ताकत भी थी, और भाई जिसकी ताकत होती है उसी की तहजीब चलती है दुनिया में, है ना। इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं, हम ये जो चाय छोड़ रहे हैं, हम ये जो उंगलियां नहीं चाट रहे हैं, हम ये जो गिरी हुई चीज नहीं उठा रहे हैं, क्यों? इसलिए जो ताकत वाले हैं दुनिया के एतबार से उनकी ये तहजीब है, लिहाजा हमें उनकी तहजीब के पीछे चलो। तो जिसकी ताकत होती है उसकी तहजीब चलती है, तो ईरान की तहजीब चलती थी दुनिया में, जो वो करे वो सलीका, जो वो ना करे वो सलीके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये ईरान फतह हुआ, लेकिन जब ईरान के बादशाह ने देख लिया था ये तो अजीब मखलूक है सारी दुनिया, तो इन्होंने खुद बातचीत करने के लिए नुमाइंदे बुलाए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान और हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों को भेजा। बात लंबी हो जाएगी। ये दोनों हजरात वहाँ गए, सफर करके गए थे। तो जब वहाँ गए दरबार में उसके पहुंचे तो बाहर दरबार ने रोक लिया। मेले कुचेले थे, इतनी दूर से सफर करके गए थे, ये तो है नहीं कि भाई हवाई जहाज का जमाना और यहाँ से उतर करके दूसरे कपड़े और बड़े उसके सफीर जा रहे हैं, और फिर एयरपोर्ट पे उतर के तीसरे कपड़े और वहाँ उतर के चौथे कपड़े, ये सब जो पहन के गए थे वही पहने हुए थे, कपड़े भी गंदे हो गए होंगे सफर की वजह से। चुनाचे दरबार में रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते आप, और अगर कि हमें तो बुलाया गया है, हम तो इस्लामी सल्तनत के सफीर बन के आए, अगर बुलाया भी गया है, आप ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते, ये जुब्बा आप पहन लीजिए। उसने एक जुब्बा दिया नया सा कि आप ये जुब्बा पहन करके अंदर जाए। उसने कहा, हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अगर हमें अपना जुब्बा उतार करके तुम्हारा जुब्बा पहनना पड़ेगा, हमें जरूरत नहीं, मुलाकात के अंजारे वापस। अब दरबार ने सोचा कि भाई जब बादशाह के बुलाए हुए नुमाइंदे हैं तो अगर वापस चले गए तो कभी मेरी खराब शामत आ जाए। तो उसने कहा कि भाई अच्छा हम अंदर पूछवाते। तो उन्होंने बादशाह से पूछवाया कि अजीब मखलूक है ये, और ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, गंदे लेने गुजरे कपड़े, लेकिन इनका अंदाज निराला है सारी दुनिया से, ये जुब्बा भी पहने। उसने बादशाह ने कहा कि भेज दो। जिस वक्त वो इजाजत का मसला चल रहा था, ये बाहर खड़े थे, तो हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी तलवार में जो कतरने लपेट रखी थी ना, उन्हें सही कर रहे थे। तो दरबार कहने लगा, इन्हीं तलवारों से ईरान को पता करना आया तो कहा कि तलवारों से नहीं, तलवारों से कोई चीज पता नहीं होती, बाजुओं से पता होती है। सिर्फ तलवार मत देख, बाजू देख हमारे, लिया तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी ढाल हो अपनी मजबूत, वो लिया मजबूत ढाल लाई। और हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने एक वार किया और ढाल के दो टुकड़े हुए। सोचने लगा अजीब मखलूक के बाहर वाकया तवील ही अंदर चले गए। बादशाह के साथ अपने ही कपड़ों में उसने बुलाया, अच्छे जिन कपड़ों में आए उन्हीं कपड़ों में आने दो। अंदर गए तो वहां दस्तरखान बिछना था, इनकी सियाफत में खाना लगाया गया। जब खाना लगा तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला के हाथ से रोटी या कोई टुकड़ा या कोई चीज छुप करके नीचे गिर गई। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक उसे उठाया और खा लिया। उसको उठाकर बाजू में जो बैठा था उसने कोनी मारी। क्या कर रहे हो, किसरा का दरबार है, लोग क्या समझेंगे तुम्हें, बदतहजीब समझेंगे, बदसलीका समझेंगे। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त जो जवाब दिया, वो जवाब हर मोमिन को हमेशा याद रखना चाहिए, वो जवाब हर मोमिन के जहन में हमेशा होना चाहिए। आखिरों को सुनना था, हबीबी क्या मैं अपने आका मौला अपने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दो। बस ये होना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन के अंदर हर वक्त। जहां जमाने की तहजीब टकराए, जहां लोगों की शाइस्तगी टकराए, जहां फैशन का सलीका और तहजीब टकराए, वहां हमें ये देख लेना चाहिए आदरुकु सुन्नत हबीबी रिहाबुल हुमा, क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दूं? ये लोग मेरी इज्जत करें, चाहे मुझे जलील करें, चाहे मुझे इज्जत दें, चाहे जिल्लत दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं छोड़ सकते। दो बार और अर्ज कर तो इसी वाकये के आगे से मुतालिक, फिर जब उसके दरबार में हाजिरी हुई किसरा के, तो दरबार में हाजिर होने के बाद वो बैठा था, उसका तो एक तरीका था कि सब लोग पूरे दरबारी खड़े रहते थे, वो कुर्सी पर बैठता था। ज़ैबा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला ने या हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु, दोनों में से किसी एक ने कहा कि ये हमारे बात करने का तरीका नहीं है, हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से मना फरमाया। या तो किसरा अपनी कुर्सी से नीचे उतरे और या हमारे लिए भी कुर्सी मंगवाई जाए, जब हमें गुफ्तगू करनी है तो हम बराबर गुफ्तगू करेंगे, या तो हमारे लिए भी कुर्सी मंगवाई जाए या तो फिर किसरा अपनी कुर्सी से नीचे खड़ा होकर जिस तरह हम खड़े हैं उस तरह बात करें, तब हम बात करेंगे। ये वो लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थामे। किसरा ने कहा इन लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी, और इनके ऊपर इनकी अपने दरबारियों को हुक्म दिया एक मिट्टी का टोकरा इनके सर पर रखो और इन्हें दरबार से निकाल दो। तो इनके ऊपर मिट्टी का बर्तन, कोई मिट्टी का टोकरा रख करके हजरत रबी बिन आमिर और हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला को दरबार से निकाला। निकलते हुए कहने लगे किसरा याद रखना, ईरान की मिट्टी तूने हमें दे दी है, अब ये हमारी होकर के रहेगी। और तारीख ने देखा कि फिर ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने के जमाने में ईरान फतह हुआ और ईरान पर इस्लामी झंडा लगा। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत तलाश करते थे। आज हम क्यों जलील हो रहे हैं? आज हम क्यों जलील हो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ करके जो लोग हमें जलील समझते हैं उनके तरीकों को अपना रहे हैं और उसमें इज्जत तलाश करना है। क़यामत तक इज्जत मिलेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में।